हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट किया था टॉपिक ट्रायंगल, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है जैसा आपको पहले भी बताया था मैंने। और इंपॉर्टेंट होने का रीजन इस चैप्टर की जो भी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में भी काम आएगा। क्वाड्रिलेटरल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, सर्किल और भी बहुत से अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, क्लास 10th के अंदर भी। तो बात कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर्स के अंदर कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी पे, और कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको बता दिया था लेक्चर के अंदर। दैट देयर आर द टू प्रॉपर्टीज अप टू दिस पार्ट वी डिस्कस, दैट फर्स्ट वन इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड सेकंड इज ASA कॉन्ग्रुएंस एंड दैट इज आल्सो नेम्ड एज AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इन कॉन्ग्रुएंस रूल से आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। बेसिकली ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की नीड क्या होती है, कई बार क्वेश्चंस आपको कहता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, और अगर क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कह रहा लेकिन फिर भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, उसका रीजन क्या है कि उस क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड पार्ट आपको इक्वल प्रूफ करना है, तो रिक्वायर्ड पार्ट आपका इक्वल तभी प्रूफ हो सकता है जब आप पहले उस गिवन क्वेश्चन के अंदर टू ट्राइंगल पेयर को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। टू ट्राइंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में सीपीसीटी क्राइटेरिया का यूज करते हैं। सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उस प्रॉपर्टी का यूज करके जो भी उस ट्राइंगल के रेस्पेक्टिव रिमेनिंग पार्ट्स है उनको आप इक्वल बता सकते हो। दैट इज द बाय प्रॉपर्टी सीपीसीटी। तो इस सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो तीन पार्ट्स इक्वल बताने होते हैं, वो तीन पार्ट्स कभी आपका कॉमन होता है, कभी गिवन है, कभी कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, कभी कोई पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिकल आपके पास में स्टेटमेंट है जिनकी वजह से आप किसी न किसी पार्ट को इक्वल या तो गिवन कंडीशन से बताते हैं या आप किसी वैलिड रीजन के साथ उसको इक्वल बताते हैं। तो इस तरीके से तीन पार्ट्स ट्राइंगल्स दो कंपेयर करते हैं, उनके तीन पार्ट्स को आपको इक्वल बताना होता है। इक्वल बता के ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और उसके बाद में सीपीसीटी का यूज करके उस क्वेश्चन का जो भी रिक्वायर्ड मेन पार्ट है उसको आप फॉलो करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे कॉन्ग्रुएंट के SAS और ASA रूल्स पे बेस्ड, कुछ और क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए आप लोग मेरे साथ में। क्वेश्चन लिखिए AB इज अ लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन लिखिए, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। क्वेश्चन लिखा बेटा आप लोगों ने, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। फिर आगे लिखिए point D and E are on the same side of AB. Point D and E are on the same side of AB. Are on the same side of AB such that point D and E are on the same side of the AB such that, or such that करके लिखिए, angle BAD equal to angle ABE such that करके condition क्या है बेटा आपके पास में, angle BAD equal to angle ABE, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। एंड एक और पेयर एंगल इक्वल आपके पास में, एंड एंगल ईपीए इक्वल टू एंगल डीपीबी, एंगल ईपीए इक्वल टू एंगल DPB। तो ये आपका पास, ये आपके क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन हो गया। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EBA इक्वल टू एंगल DPB। प्रूव दैट करके लिखिए फर्स्ट पार्ट। प्रूव दैट ट्राइंगल DAP, प्रूव दैट triangle DAP congruent triangle EBP। पहला पे ट्राइंगल DAP congruent प्रूफ करना है EBP के साथ, और सेकेंड आपको प्रूफ करना है AD equal to BE। सेकेंड आपको प्रूफ करना है AD equal to BE। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी परफॉर्म किया था लास्ट क्लास के अंदर भी, कि क्वेश्चन में गिवन पार्ट्स हैं
गिवन पार्ट से आपको ट्राइंगल स्फीयर को कंसीडर करना है और उन ट्राइंगल स्फीयर को गिवन कंडीशंस का यूज करते हुए आपको ट्राइंगल स्कोप कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है बेटा, एबी लाइन सेगमेंट का पी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब सबको पता है कि इसका मतलब एबी और बीपी इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एंगल ए पार्ट और यहाँ पे एंगल बी पार्ट आपस में इक्वल है, और एंगल पी का ईपी ए और एंगल पी का डीपी भी आपस में इक्वल है। अब बात करते हैं कि जिन ट्राइंगल्स को कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, क्या उन ट्राइंगल्स के अंदर ये तीनों पार्ट जो इक्वल दे रखे हैं, टू एंगल्स और वन साइड पेयर, क्या वो डायरेक्टली पूरा का पूरा काम में आ रहा है क्या? देखिए तो ट्राइंगल का नेम आपके पास में क्या है, डी ए पी। ट्राइंगल का नेम आपके पास में है डी ए पी, तो इसमें क्लियर है बेटा कि डी ए पी ट्राइंगल जब आप यूज करेंगे तो उसमें एंगल ए काम में आ जाएगा जो इक्वल है आपके पास में, एपी काम में आ जाएगा, लेकिन जो पी पॉइंट पे एंगल इक्वल काम में आएगा वो तो है आपके पास में डी पी ए, और लेकिन गिवन कंडीशन में आपके पास में सिर्फ क्या है, ईपी ए। तो जैसा लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल पार्ट है कौन सा, कौन सा, ई पी डी। आपके पास में जो दो एंगल्स इक्वल गिवन है पी पॉइंट पे, इन दोनों इक्वल एंगल्स के अंदर पी पॉइंट पे जो दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है, उस इक्वल एंगल्स के अंदर अगर आप इस एंगल एपीडी को दोनों तरफ ऐड करते हो, तो देखिए बेटा इस एंगल के साथ जब ईपीडी ईपीडी ऐड होगा तब आपके पास में देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, एंगल बन जाएगा ईपीडी, और इधर जब इस एंगल को ऐड करेंगे तो इधर एंगल आपके पास में बन जाएगा ईपीपी, तो ये आपके कॉन्ग्रेंसी में काम आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में एंगल ए और एंगल बी का पार्ट इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आप इसको ऐड करके इक्वल बता देंगे, पी आपका मिड पॉइंट है तो एपी और बीपी इक्वल है, तो इसका मतलब टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, तो ट्राइंगल आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा कौन से रूप से, ए एस ए। तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले जो गिवन एंगल है उसको लिखो, सिंस एंगल ईपी ए इक्वल टू एंगल डीपीपी, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि पी पॉइंट पे ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है ईपी ए के साथ। देखिए यहां पे जो मैं डबल अमान कर रखा है, ईपी ए के साथ डीपीपी इक्वल है, और इसके दोनों तरफ में इस कॉमन एंगल, कौन सा कॉमन पार्ट, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, ईपीडी, तो यहां पे लिखिएगा एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ईपीडी को ऐड कर देंगे, तो देखिए बताइए क्या बन गया, एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इक्वल टू एंगल डीपीपी प्लस एंगल ईपीडी, दोनों तरफ आप ईपीडी को ऐड कर रहे हैं, तो आपके सामने है रिजल्ट ईपीए प्लस ईपीडी। यहां पे देख लीजिए अच्छे से, ई पी ए, इसके साथ जब ई पी डी को ऐड करोगे तो आपके पास में एंगल का नेम बन जाएगा क्या बेटा, एपीडी बनेगा, और इधर जब इस एंगल में इसको जब ऐड करोगे तो इधर तो नेम क्या बन गया, एपीडी, तो इधर नेम बन जाएगा बीपीई, इधर नेम क्या हो जाएगा एंगल का, बीपीई, और ये आपका इक्वेशन नंबर वन। क्लियर हो गया आप सबको, जो दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे थे उसमें कॉमन एंगल को ऐड किया, जैसे कल भी क्वेश्चन में करवाया था आपको, तो एपीडी आ गया, बीपीई आ गया, और ये आपका इक्वेशन वन हो गया। अब जब कॉन्ग्रेंसी यूज करेंगे तो उसमें इस एंगल को डायरेक्टली यूज कर लेंगे और ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। कर लिया ये नोट आपने, इक्वेशन वन में ध्यान रखिएगा ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अब अपने ट्राइंगल स्क्वायर को लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल नेमिंग आपको दे ही रखा है, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। क्लियर बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा नेम, डी ए पी एंड ई बी पी, तो डी ए पी और ई बी पी में सबसे पहले इस एंगल ए का नेम लिखते हैं, क्वेश्चन में एंगल ए का नेम क्या है, वैसे तो यहां से दे रखा है डी ए डी, लेकिन अपना ट्राइंगल बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ए का नेम बी से नहीं लिखे, पी से लिखेंगे, क्योंकि देखिए अब इतना आपको समझना समझ में आना चाहिए कि इस एंगल ए का नेम बी से नहीं स्टार्ट करके पी से स्टार्ट कर देंगे, तो एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल, और इधर जो बी का नेम है वो भी ए से नहीं स्टार्ट करके पी से स्टार्ट कर देंगे, पी बी ई, इसके लिए ब्रैकेट में रीजन हो गया गिवन। ये तो हो गया आपके पास में एंगल। इसके बाद में पी आपका मिड पॉइंट है,
तो बी मिड पॉइंट है तो ए बी इज इक्वल टू बी बी. ए बी इज इक्वल टू बी बी क्यों है? सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. पी जो है वो आपके पास में ए बी का मिड पॉइंट है. क्लियर हो गया. उसके बाद इक्वेशन वन से एंगल, तो इक्वेशन वन से एंगल का नाम क्या था? पी पे था ए पी डी. पी पे क्या था? ए पी डी. और इधर पी पे क्या था? बी पी ई. ये दोनों एंगल इक्वल है. उसके लिए रीजन फ्रॉम इक्वेशन वन. तो ये चीज आपको पहले समझनी होगी कि जो एंगल्स इक्वल दे रखा है उसमें कॉमन एंगल जो रिक्वायर्ड है उसको दोनों तरफ ऐड करके न्यू एंगल को इक्वल बना दिया और वो रीजन आपके पास में गिवन नहीं होगा, वो इक्वेशन वन होगा. तो फाइनली आप ये कह सकते हैं ट्राइंगल डीएपी, ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ईबीपी. और ये कॉन्ग्रेंट का कौन सा रूल लग रहा है यहां पे? ए एस ए, ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल. समझ में आ रहा है आप सबको? एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल यहां पे आपका अप्लाई हो जाएगा. और सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में क्या होगा? सेंस ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ? ईबीपी के साथ. एज कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि आपने प्रूफ किया है अभी अभी आपने, एज प्रूव अबाउ देयरफॉर. अब आप सबको पता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट अगर है तो देयरफॉर सीपीसीटी का यूज कर लेंगे. तो डीएपी का एडी साइड, डीएपी का एडी साइड और ईबीपी का बीई साइड. एडी इक्वल टू बीई और एडी इक्वल टू बीई का रीजन सीपीसीटी. सीपीसीटी का मतलब आपको बता चुका हूं पहले भी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. तो इस तरीके से क्वेश्चंस में गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद में उसके सीपीसीटी का यूज करके जो भी क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट है आप उसको इक्वल बता देंगे. दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल. तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल का यही यूज है. इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस चैप्टर के आगे भी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर तो उसमें भी डायगनल को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनता है. तो उसमें भी किसी पार्ट को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो उस पार्ट को इक्वल प्रूफ करने का यही तरीका बेटा कि दो ट्राइंगल्स पेयर बनाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स पेयर को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं और दोनों ट्राइंगल्स पेयर को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके और जो रिक्वायर्ड पार्ट उसको इक्वल बता देते हैं सीपीसीटी से. इसलिए कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी का आगे सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है. क्लियर. लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन राइट ट्राइंगल एबीसी. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से. इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी. इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी. इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी. फिगर दे रखा है, वैसे फिगर में ड्रॉ कर दूंगा. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट सी. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी. आगे लिखे फिर, ज्वाइन सी टू एम. ज्वाइन C to M, join C to M and produce to point D, join C to M. ऐसे लिखते हैं बेटा, join C to M and produced up to point D such that CM is equal to MD. क्या लिखा आपने? M is the midpoint of hypotenuse AB. Join C to M and produce up to D such that CM equal to MD and join DB. Figure आपको draw कर दूंगा. ये सारी इंफॉर्मेशन है एंड ज्वाइन डीबी. डीबी को आपको ज्वाइन करना है. प्रूव दैट करके ये जो इंफॉर्मेशन, इसको तो इरेज कर देता हूं
आप प्रूफ दे करके आप लिख लीजिए, फोर पार्ट्स आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट लिखिए ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट आपका ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, फर्स्ट पार्ट आपको ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। थर्ड पार्ट ट्राइंगल ट्राइंगल डी बी सी, थर्ड पार्ट है आपका ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी। एंड फोर्थ इज सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, और ये आपका फिगर है कंप्लीट जो अब ड्रॉ कर रहा हूं मैं। फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। देखिए मेरा फिगर समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहा है, एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में तो आपको ये दे रखा है कि एबीसी आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है, और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है आपका, सी पे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन क्या रहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी, तो सी राइट एंगल है तो एबी आपका हाइपोटेनियस है, ए बी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कौन है, एम है। तो मिड पॉइंट का मतलब डायग्राम में मैं आपको कह सकता हूं कि ए एम और बी एम इक्वल है। इसके बाद में क्वेश्चन में आपने लिखा है जॉइन सी टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, सी से एम को जॉइन करना है और उसको डी तक प्रोड्यूस करना है, सच दैट करके आपको क्वेश्चन कह रहा है सी एम इज इक्वल टू डी एम, सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम एंड जॉइन डी टू बी, और डी से बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया गिवन इन्फॉर्मेशन से। अब ये फोर पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में फोर पार्ट्स है जिसमें दो अलग अलग ट्राइंगल्स पेयर कॉन्ग्रुएंट है। तो डिस्कशन करते हैं वन बाई वन पार्ट पे। सबसे पहला पार्ट लेते हैं ए एम सी बी एम डी। पहले तीन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कौन से तीन पार्ट्स इक्वल बता के और कौन से रूल को फॉलो करके आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। तो देखिए ट्राइंगल का नेम है ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी। तो ए एम सी और बी एम डी में तीन इक्वल पार्ट्स बताना आप में से किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि पहला पॉइंट इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल के अंदर ए एम और बी एम इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है एम इज द मिड पॉइंट। फिर उसके बाद में इस ट्राइंगल का सी एम और इस ट्राइंगल का डी एम आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है सी एम इक्वल टू डी एम। और पॉइंट एम पे आपका बन रहा है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर सबसे पहला फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल का नेम, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिखना, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी में। और देखिए जो तीन पार्ट इक्वल बता रहे हैं उसमें दो साइड्स है और एक इंक्लूडेड एंगल है, तो रूल भी फॉलो हो रहा है, कौन सा, एस ए एस। तो सबसे पहले ए एम सी के अंदर ए एम इज इक्वल टू इधर से ए एम और इधर से बी एम, ए एम और बी एम इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एम इज द मिड पॉइंट, गिवन हो गया। सेकेंड ए एम सी में एंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी में एंगल बी एम डी, ये इक्वल है, उसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए एम सी और बी एम डी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल रिलेशन से। और उसके बाद में वापस से ए एम सी के अंदर सी एम और बी एम डी के अंदर डी एम, ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, सी एम इक्वल टू डी एम क्वेश्चन में गिवन। तो आपके पास में रिजल्ट क्या आ गया, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, और कॉन्ग्रुएंट का रूल कौन सा लगा, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, सो बाय द प्रॉपर्टी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया
एएमसी कॉन्गेंट बीएमडी कौन से रूल से बेटा एसएएस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस फर्स्ट पार्ट को आपने कॉन्गेंट किया है रूल तो कोई भी लग रह सकता है, एसएएस लग सकता है, एएमसी लग सकता है, अभी आपको दो ही रूल मालूम है। तो एसएएस से कॉन्ग्रेंट होने के बाद में अब जो भी सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रूफ करना है तो उसमें फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी का तो यूज होगा, कंफर्म है। तो अब यहां से आपको ये खुद को एक्सप्लेन करना होगा, खुद को ये समझाना होगा कि जिन दो ट्राइंगल्स के पेयर आपने कॉन्गेंट किए हैं इनके कॉन्गेंट प्रूफ करके इनके कौन से सीपीसीटी को आगे क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो ताकि आपके पास में डीबीसी राइट एंगल प्रूफ हो जाए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपने नोट कर लिया, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल कॉन्ग्रेंसी एसएएस रूल है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद में सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए कि कॉन्ग्रेंट होने के बाद में सीपीसीटी को कैसे यूज करना। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट के लिए, अब सेकंड पार्ट के लिए पहले आपको ये लिखना होगा सिंस ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट, एएमसी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, बीएमडी के साथ। कॉन्ग्रेंट क्यों है, क्योंकि ये अभी अभी आपने एज प्रूव्ड अबाउट ये आपने प्रूफ कर दिया, एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रेंट ये आपने प्रूफ कर दिया। तो अब देखिए ध्यान से एएमसी और बीएमडी ये दोनों जो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट है तो इसके सीपीसीटी में एक तो मेरे को आगे चल के यूज करना हो गया क्या एसी इज इक्वल टू डीबी, इक्वेशन वन इसको दे दिया। और ये क्यों इक्वल है एसी और डीबी, क्योंकि एएमसी के अंदर एसी साइड बीएमडी के अंदर बीडी साइड आपस में इक्वल हो सकता है इस प्रॉपर्टी से सीपीसीटी से। तो एसी इक्वल टू डीबी इक्वेशन वन सीपीसीटी से, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल सेकंड पार्ट के अंदर डीबीसी को राइट एंगल प्रूफ करना है। तो इस डीबीसी को राइट एंगल लाने के लिए पहले मेरे पास में कंडीशन ये है कि मेरे को पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इस एएमसी का एंगल ए, एएमसी का एंगल ए और बीएमडी का ये जो एंगल बी है ये आपस में इक्वल बताना होगा सीपीसीटी से। वापस सुन लीजिएगा, ट्राइंगल एएमसी का एंगल ए पार्ट और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस बीएमडी का एंगल बी पार्ट। एंड तो देख तो देयरफॉर से एसी और डीबी इक्वल, इसको तो बाद में यूज करेंगे। एएमसी का एंगल एमएसी इज इक्वल टू बीएमडी का एंगल बीएमडी में एंगल बी है तो एम से स्टार्ट कर रहा हूं एमबीडी, एमबीडी क्लियर है। एमएसी एंगल, एमएसी एंगल इज इक्वल टू एमबीडी एंगल, क्योंकि आपको पता है देखिए ए पॉइंट पे तो एम ए सी, बी पॉइंट पे तो एम बी डी, ये भी इक्वल है किस प्रॉपर्टी से सीपीसीटी से। लेकिन अगर आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर्स में याद है, इसीलिए ज्योमेट्री का हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होता है। अब यहां पे ये जो एंगल और ये जो एंगल इक्वल आप बता रहे हो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से तो इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गेंट ट्राइंगल, लेकिन जिन एंगल्स को आप सीटीसीटी से इक्वल बता रहे हो ये कौन से एंगल है, बट दीज आर कौन से एंगल पेयर बन रहे हैं बताओ फिगर के अंदर, ऑल्टरनेट, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बताइए है या नहीं है। आप सबको पता है कि जब भी कोई दो लाइन होती है और कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये देखिए यहां पे बी डी और ए सी लाइन है, ए बी उसमें ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है, तो ये एंगल जो बी पे बन रहा है और ये एंगल जो यहाँ पे ए पे बन रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा, जो बी पे एंगल बन रहा है जो ए पे एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल सीपीसीटी से है, लेकिन जो एंगल्स आपस में इक्वल है वो आपके कौन से पेयर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डीबी पैरेलल एसी। सबको पता है ना ये बात, बताया था अगर आपको कि इफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, इफ एनी पेयर ऑफ alternate interior angle is equal, their lines are parallel to each other, so therefore DB parallel AC, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप वापस इस line का use कीजिए, since DB parallel AC, DB और AC parallel है, and BC is a transversal, और अगर आप BC transversal का use करते हैं, तो देखिए इधर तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इन दोनों पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर एंगल डीबीसी
प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? को इंटीरियर एंगल्स। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा, कि सीपीसीटी से जिस पॉइंट ए और जिस पॉइंट बी के एंगल को आपने इक्वल बताया सीपीसीटी से, वो इक्वल बताया तो आपके पास में कंडीशन आ गया कि वो आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर जब आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, तो आपके पास में डीबी और एसी पैरेलल हो गया। इसके बाद में वापस डीबी और एसी जो आपने पैरेलल बताया तो उसमें आपने जब बीसी ट्रांसवर्सल ले लिया तो डीबी और एसी पैरेलल है और बीसी ट्रांसवर्सल है, तो इस कंप्लीट बी में, इस कंप्लीट बी में अगर बात करें और सी के अंदर बात करें तो डीबीसी और एसीबी का आपस में सम कितना होगा? 180 कोइंटीरियर से। अब राइट ट्राइंगल कौन सा दे रखा है? सी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल डीबीसी प्लस एसीबी का वैल्यू आपके पास में 90 है इक्वल टू 180। एसीबी का वैल्यू 90 क्यों है वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल दे रखा है ना एसीबी, आपको समझ में आया क्या? तो एसीबी का वैल्यू अगर 90 दे रखा है तो अब आप खुद बताइए कंडीशन क्या फॉलो होगा। तो डीबीसी का वैल्यू, डीबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, बताइए क्या प्रूफ कर दिया? एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन में आपने कॉन्गेट प्रूफ किया है उस कॉन्गेट की सीपीसीटी को कैसे यूज करना है, वो चीज आपको क्वेश्चंस में जब क्लियर होगा तो ही आप उस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर पाएंगे। तो सीपीसीटी से बी और ए को इक्वल बताया, बी कौन सा? डीबी, एमबीडी और एमएसी जो कि ऑल्टरनेट है, तो लाइंस पैरेलल बना, फिर लाइंस पैरेलल है तो वापस एक ट्रांसवर्सल बीसी ले लिया, तो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं बी और सी पे, कंप्लीट को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 अप्लाई किया, एसी भी राइट ट्राइंगल दे रखा है, तो डीबीसी का वैल्यू जो रिमेनिंग है वो भी आपके पास में 90 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट को प्रूफ कर दिया, एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। क्लियर हो गया सबको सेकंड पार्ट? अब आते हैं वापस से थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट के अंदर फिर से ट्राइंगल कॉन्वर्ट करने, और ट्राइंगल कॉन्वर्ट का इसका नेम क्या है? डीबीसी एंड एसीबी। अब देखिए बेटा इधर, अब वापस से डीबीसी और एसीबी पे आते हैं अच्छे से। ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी। अब देखिए यही रीजन था कि मैंने इक्वेशन वन के अंदर डीबीसी के अंदर डीबी साइड और एसीबी के अंदर एसी साइड को इक्वल लिखा था सीपीसीटी से, वो यूज हो जाएगा। डीबीसी के अंदर बी राइट एंगल बन रहा है, एसीबी के अंदर सी राइट ट्राइंगल बन रहा है, डीबीसी में बीसी साइड आ रहा है और एसीबी के अंदर भी बीसी साइड आ रहा है, तो बताइए दो साइड्स और एक एंगल कॉमन आ गया, बीच में उसके इंक्लूडेड हो गया, तो टू साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का कौन सा रूल लगता है? एस ए एस। तो यहां पे देखिए डीबीसी और एसीबी को इक्वल करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले डीबी इक्वल टू एसी। अब डीबी इक्वल टू एसी के लिए ही मैंने उसको इक्वेशन वन दिखा था पहले, क्योंकि वो अगर सीपीसीटी नहीं यूज करूंगा तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी थर्ड के अंदर, इसीलिए मैंने डीबी और एसी को पहले इक्वल बता दिया था सीपीसीटी से, जो अब मैं फ्रॉम इक्वेशन वन करके यूज कर रहा हूं। इसके बाद में डीबीसी का भी वैल्यू 90 है और एसीबी का वैल्यू भी आपके पास में 90 है, तो दोनों राइट ट्राइंगल इक्वल होते ही है। राइट एंगल डीबीसी का वैल्यू 90 आपने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है, एसीबी का वैल्यू आपको 90 दे रखा है, और तीसरे पार्ट में डीबीसी के अंदर बीसी नेम से पता चल रहा है बीसी, और एसीबी के अंदर भी बीसी या सीबी कुछ भी लिखो, तो बीसी इक्वल टू सीबी दैट इज द कॉमन। तो अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया क्या कि ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? एसीबी के साथ। कौन से रूल से? टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, सो दैट इज द SAS congruence rule। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन लेंथ में काफी ज्यादा है, पहले फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करके फाइनली आपके पास में डीबीसी और एसीबी आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, तो फोर्थ पार्ट के लिए वापस से पहले थर्ड पार्ट की सीपीसीटी का यूज करेंगे कैसे? ट्राइंगल डीबीसी
कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एसीबी के साथ। याद से समझना, डीबीसी एसीबी के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हो गया डीबीसी के अंदर डीसी साइड, डीबीसी के अंदर डीसी साइड और एसीबी के अंदर एसीबी के अंदर एबी साइड। डीसी इक्वल टू एबी इस प्रॉपर्टी से, सीपीसीटी से। अब देखिए यहां पे अपने को पता था कि गिवन कंडीशन में सीएम और डीएम इक्वल है, तो डीसी को जो है डीसी को कैसे लिख सकते हैं, सीएम प्लस डीएम, एबी का एबी रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डीसी देखिए डी से लेकर सी तक किस किस का सम है, सीएम प्लस डीएम, इन दोनों का सम है। अब अपने को पता है रिजल्ट सिर्फ सीएम को लेकर लिखना है, तो क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि सीएम और डीएम आपस में इक्वल है, तो डीएम की जगह आपने सीएम लिख दिया। सेंस क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है सीएम इज इक्वल टू डीएम। स्टार्टिंग में लिखा था ना आपने सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट करके क्या था, सीएम इक्वल टू डीएम, तो इस डीएम की जगह सीएम आ गया, तो सीएम प्लस सीएम। यहां पर लिख देता हूं लास्ट स्टेटमेंट, सीएम प्लस सीएम कितना हो गया, 2cm इक्वल टू में आपका AB है, तो 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो CM का वैल्यू कितना आ गया, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूफ। HP का मतलब हेंस प्रूफ। तो फोर्थ पार्ट में आपको ये प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था बेटा, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आई थिंक कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, उन प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करके फिर वापस से कॉन्ग्रुएंसी के कुछ और रूल्स डिस्कशन करेंगे। एसएएस एएसए आपको बता दिया, कुछ और कॉन्ग्रुएंस रूल्स है, कुछ और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कशन करके एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तब तक अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।